आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी नेनुआ की सब्जी, वे भी चने की दाल के साथ बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और खाने में तो ज़बरदस्त लगेगी आपको। इस सब्जी को बनाना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा यह स्वादिष्ट और चटपटी बनकर तैयार होती है। साथ में यह बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है, क्योंकि नेनुआ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। गर्मी के दिनों में लोग नेनुआ और लौकी तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसे बनाना भी आसान होता है। और ख़ास बात तो यह है कि इस सब्ज़ी के साथ आपको अलग से किसी सब्जी या दाल को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ आप आराम से चावल, रोटी, पराठा कुछ भी खा सकते हैं। तो फिर चलिए फटाफट शुरू करते हैं चना दाल और नेनुआ की सब्ज़ी बनाना। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं नेनुआ चना दाल बनाना। नेनुआ चना दाल बनाने के लिए हमने आधा किलो ताज़ा मुलायम नेनुआ ले लिया है। पतले पतले देखिए हमने नेनुआ लिया है, उसे छील लिया है। छीलने के बाद हम इसे अच्छे से धुल लेंगे। नेनुआ को कभी भी काटने के बाद नहीं धुला जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है, और अगर आप बाद में धुलेंगे तो और भी ज़्यादा पानी छोड़ देगा। इसलिए हमने पहले छील लिया, उसके बाद अच्छे से इसे धुल लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। नेनुआ को हमने लंबे लंबे पीसेस में काटा है। पहले हमने नेनुआ को तीन भागों में काटा, फिर एक एक भाग के हमने चार चार पीस किए। देखिए इस तरह से हमने नेनुआ को काट लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे पीसेस में काटिए, आप चाहे तो इसे गोल गोल पीसेस में काट लीजिए। बहुत मोटा भी नहीं काटिएगा, बहुत पतला भी नहीं, क्योंकि जब हम इसे दाल के साथ बनाएंगे ना, अगर बहुत पतला काट देंगे तो वह गल जाएगा। इसलिए इसे हल्के मोटे मोटे पीसेस में गोल गोल अगर ये काट रहे हैं आप तो काट लीजिए। साथ ही हमने ले लिया है तीन प्याज और तीन टमाटर। प्याज को हमने छिलकर धुल लिया है, टमाटर को भी हमने उसके ऊपरी हिस्से को निकाल दिया और अच्छे से धुल लिया है। अब हम प्याज और टमाटर को न तो पीसेंगे न ही रफली काटेंगे, बल्कि इन्हें चॉपर से चॉप कर लेंगे। देखिए हमने प्याज को चॉपर से चॉप कर लिया है, साथ ही हमने टमाटर को भी चॉप कर लिया है। आधा किलो नेनुआ के लिए हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी चना की दाल को रात भर भिंगो दिया था। आप चाहे तो 5-6 घंटे के लिए इसे भिंगो सकते हैं। भिंगोने के बाद अब इसका जो पानी है इसे हम निकाल के देंगे, यानी हटा देंगे, और इसे फिर अच्छे से पानी से एक बार और धुल लेंगे। देखिए हमने चने की दाल को धुल कर रख लिया है। अब चलते हैं सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया, और कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। हमने 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल दूर हो जाए। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग। यदि आप हींग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेथी के दाने डाल दीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए। हमने इसमें डाल दिया है 2 पिंच हींग। हींग जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देते हैं चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को जब हम चॉप करके डालेंगे ना, तो सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। प्याज को भूनने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। यदि आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट बाजार वाला नहीं है तो आप 20 से 25 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसे पीस लीजिए। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक और भून लेते हैं, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कच्चापन है, जो स्मेल है, वह दूर हो जाए और प्याज भी थोड़े से और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। गैस का फ्लेम हम इस समय मीडियम टू लो ही रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम मसाले तक सारे प्रोसेस को करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच पीसा हुआ धनिया का पाउडर, ये हमने घर पर पीस कर तैयार किया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए, जलने ना पाए। 1/2 कटोरी पानी हमने डाल दिया। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे तब तक भून लेंगे जब तक कि मसाले तेल नहीं छोड़ देते, तब तक हमें मसालों को भून लेना है। मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बीच में हमने कई बार चला दिया था। देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर।
टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर फिर इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। लेकिन टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। टमाटर के बाद यदि आप नमक डाल देते हैं तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसे कवर कर भून लेते हैं। कवर करके भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बीच में हमने इसे कई बार चला दिया था। देखिए, टमाटर डालने के बाद अच्छे से मसाला भून चुका है, ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम इस समय डालेंगे इसमें भिंगोए हुए चने की दाल को। चने की दाल को डालकर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर फिर हम इसे भून लेंगे। टोटल चने की दाल को डालने के बाद हमें 10 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। देखिए, इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बीच में हमने 3 से 4 बार इसे चला दिया था। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और रोस्टेड कसूरी मेथी। मसाले के साथ चने की दाल को हमने बहुत अच्छे से भून लिया था। अब गरम मसाला और रोस्टेड कसूरी मेथी डालने के बाद 2 मिनट हमें कवर कर और भून लेना है। गरम मसाला और कसूरी मेथी को डालने के बाद हमने 2 मिनट तक इसे और पका लिया। देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। साइड साइड से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए नेनुआ को। देखिए, नेनुआ को कुछ इस तरह से हमने काटा है। आप चाहे तो इसे गोले गोले पीसेस में भी काट सकते हैं। हमने सारे नेनुआ को डाल दिया। अब नेनुआ को चने की दाल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। नेनुआ डालने के बाद हमने थोड़ी देर तक भून लिया है। नेनुआ देखिए पानी भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। आपको जितने पानी की आवश्यकता हो ग्रेवी के लिए आप उतना डाल सकते हैं। हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि नेनुआ भी पानी छोड़ेगा और हमने ग्रेवी के लिए भी पानी डाल दिया है। अब हम इसे कवर कर 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अभी ग्रेवी डालने के बाद 3 से 4 मिनट ही हुए हैं। एक बार हम इसे फिर से चला देते हैं। देखिए, ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। एक बार अच्छे से हम इसे चला देंगे और फिर से कवर कर इसे पकने देंगे। जब तक कि चने की दाल बिल्कुल पक नहीं जाती है, तब तक हमें इस सब्ज़ी को पकाना है। इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। हम इसमें से एक चने की दाल को दबा कर देखते हैं। देखिए, चना का दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और गैस ऑफ करके कवर करके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखिए, नेनुआ चना दाल की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। इसे हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा, किस चीज़ के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।